प्यारे बच्चों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये इसका लास्ट टॉपिक है। फूड प्रिजर्वेशन के बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये समाप्त हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन के बाद एक और टॉपिक है, इसमें नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं आज हम सभी लोग फूड प्रिजर्वेशन यानी भोजन का संरक्षण, कि भोजन का संरक्षण हम किस तरह से कर सकते हैं और भोजन कैसे खराब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ये इसमें देखते हैं। देखा एट टाइम्स वी मे कंज्यूम फूड स्पॉइल्ड बाई सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी इस समय हम भोजन को खराब होते हुए देख सकते हैं या कंज्यूम होते हुए देख सकते हैं। किसके द्वारा? सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा भोजन को नष्ट होते हुए हम सभी लोग देखे होंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कैसे होता है वो नष्ट या कैसे पॉइजनस होता है, देखते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट मेक द फूड पॉइजनस काजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी भी फूड मटेरियल पर पहुंच करके वहां क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का निर्माण करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं जो बेहद ही क्या होता है, टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। और जिसके कारण क्या होता है, अगर व्यक्ति उस भोजन को खाए तो बीमार पड़ सकता है और डेथ भी हो सकती है। फिर लिखा है दिस इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, और इसे क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फिर लिखा हुआ है दस, इस प्रकार वी नीड टू प्रिजर्व फूड, इस प्रकार हमें भोजन को क्या जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ बाई विच स्पॉयलेज ऑफ फूड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रिवेंटेड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को खराब होने से बचाया जा सके जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। यानी भोजन को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं या भोजन संरक्षण कहते हैं। अब दिया हुआ है मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी भोजन को संरक्षित करने के तरीके। लिखा हुआ है वी कैन प्रिजर्व फूड इन द फॉलोइंग वेज, यानी हम भोजन को संरक्षित रख सकते हैं निम्नलिखित विधियों द्वारा। पहला लिखा है बॉइलिंग, यानी हम क्या करें, भोजन को बार बार क्या करें, गर्म करते रहें। लिखा हुआ है इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिल्क एंड वाटर आर प्रिजर्व्ड बाई बॉइलिंग, यानी भोजन या हम कह सकते हैं खाने के पदार्थ को हम क्या करें, गर्म करके हम उसे क्या कर सकते हैं, जीवाणुओं से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम उसे सुरक्षित रह सकते हैं या संरक्षित रह सकते हैं। और इसमें दो ही चीज़ आता है, एक मिल्क और एक वाटर। मिल्क को हम क्या करते हैं, देखते होंगे घरों में बार बार गर्म किया जाता है। क्यों गर्म किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाए ताकि दूध क्या हो, फटने से बच जाए। और उसके साथ साथ अगर वाटर है, वाटर अगर ख़राब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ज़्यादा है, तो उसे क्या करते हैं, हम बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के बाद उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाएंगे और पुनः योग्य हमारे हो जाएगा। यानी बॉयलिंग प्रोसेस द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर सकते हैं। दो चीज़ों में करते हैं, किसमें, एक तो मिल्क में और एक वाटर में। और इसके साथ साथ भोजन को भी गर्म करके हम जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। और ये क्या करता है, गर्म करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं गर्म होते ही क्या होते, नष्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इससे मिल्क और उसके साथ साथ वाटर को, दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसमें रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, यानी रेफ्रिजरेशन या और फ्रीजिंग के द्वारा, यानी उन्हें क्या, ठंडा करके और उसके साथ साथ जमा करके, इन दोनों प्रोसेस द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, भोज्य पदार्थों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हम बचा सकते हैं। लिखा हुआ है दीज प्रोसेसेस डू नॉट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट स्टॉप देम ग्रोइंग ऑफ मल्टीप्लाइंग, यानी जो फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग क्या करता है, इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मरते नहीं है, लेकिन फ्रिज में रखने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, चेक हो जाता है, रुक जाता है, धीमा हो जाता है। प्रिवेंशन बाई फ्रीजिंग इज इफेक्टिव फॉर मेनी मंथ्स एंड इज यूजफुल इन द केस ऑफ मिल्क, मीट एंड वेजिटेबल्स।
जो फ्रीजिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होता है किसके लिए, कई मंथ के लिए, और किस किन किन के चीज़ों के लिए लिखा हुआ है इसमें, मिल्क दूध के लिए, मीट मांस के लिए, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों के लिए। फिर लिखा हुआ पाश्चुराइजेशन, पाश्चुराइजेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 25 सेकेंड एंड देन क्विकली कूल्ड एंड स्टोर्ड। दिस मेथड किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क एंड प्रिवेंट्स टू ग्रोथ ऑफ रिमेनिंग बैक्टीरिया इफ एनी। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक हनी, बियर, वाइन एंड जूस जूसेज आर आल्सो प्रिजर्व बाय दिस मेथड। यानी जो पाश्चुराइजेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 25 degrees centigrade। यानी जो पाश्चुराइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हम भोज्य पदार्थों को या मिल्क को, इसमें मिल्क दिया हुआ है, को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 25 सेकंड के लिए क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है उसमें जो उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, दिस मेथड किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, और मिल्क में जो बैक्टीरिया होंगे या भोज्य पदार्थ जो बैक्टीरिया होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, और जिसके कारण वो क्या होता है उसमें अगर कुछ रहेंगे भी तो ग्रोथ करने से बचे रह जाएंगे। कि लिखा हुआ रिमेनिंग बैक्टीरिया इफ एनी, और लिखा हुआ मिल्क प्रोडक्ट्स, और इसका जो पाश्चुराइजेशन प्रोसेस है वो किस में किया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में किया जाता है, लाइक चीज यानी पनीर एंड अदर सब्सटेंसेज लाइक हनी यानी मधु, बियर शराब, बियर भी एक तरह से क्या है, बियर और वाइन के बारे में आप सभी लोग आज अंतर समझ ले क्या होता है। बियर भी एक तरह से लिक्वर है, वाइन भी लिक्वर है, बियर भी पिया जाता है, वाइन भी पिया जाता है। बियर एज ए सॉफ्ट लिक्वर है, वाइन इज ए हार्ड लिक्वर है। सॉफ्ट लिक्वर और हार्ड लिक्वर क्या होता है, हार्ड लिक्वर उसमें उसे कहते हैं जिसमें अल्कोहल की मात्रा 15% से अधिक होती है, और सॉफ्ट लिक्वर उसे कहते हैं जिसमें 10% से अल्कोहल की मात्रा कम होती है। तो बियर एक तरह से क्या है, सॉफ्ट लिक्वर है, वाइन क्या है, हार्ड लिक्वर है। तो बियर और वाइन और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जूसेज होते हैं, उन सभी को प्रिजर्व किया जाता है पाश्चुराइजेशन प्रोसेस के द्वारा। फिर है बाय यूजिंग साल्ट एंड शुगर, हम किसका उपयोग करके प्रिजर्व कर सकते हैं भोज्य पदार्थ को, फूड मटेरियल को, यूजिंग ऑफ साल्ट एंड शुगर यानी नमक का और उसके साथ साथ चीनी का। तो देखते हैं जैम्स, जेलीज एंड सेसेज यानी सास, जो सास होता है सासेज आर प्रिवेंटेड बाय एडिंग शुगर। यानी जो सास होता है, जेलीज होते हैं और जैम्स होते हैं, इन सभी को प्रिजर्व किया जाता है शुगर को ऐड करके यानी चीनी मिला करके। साल्टिंग यूज टू प्रिजर्व पिकल, आमला, रॉ मैंगोज, टैमेरिंड, मीट एंड फिश। और नमक के द्वारा हम किसे प्रिजर्व कर सकते हैं, पिकल यानी अचार को, आमला अमले का अचार हो, रॉ मैंगोज कच्चे आम हो, क्या कहते हैं इमली हो, और उसके साथ साथ मीट और फिश को भी हम साल्ट के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है एडिशन ऑफ साल्ट और शुगर इज एक्सेस स्लो डाउन द बैक्टीरिया ग्रोथ। और क्या करता है, शुगर और साल्ट क्या करते हैं, जब एडिशन किया कर दिया जाता है भोज्य पदार्थ में तो ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ को स्लो कर देते हैं, और उसके साथ साथ जो पदार्थ होता है वो सड़ने से या रद्द होने से बच जाता है। शुगर एंड साल्ट रिड्यूस द मॉइस्चर इन फूड, दस इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया। और शुगर और साल्ट क्या करते हैं, फूड मटेरियल के वाटर को या मॉइस्चर को, नमी को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरियल ग्रोथ या माइक्रो आयन का ग्रोथ कम हो जाता है और भोज्य पदार्थ सड़ने से बच जाता है। फिर उस पर लिखा हुआ है यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, यानी हम ऑयल का यूज करें या फिर सिरके का, इन दोनों के यूज से भी हम भोज्य पदार्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। लिखा हुआ है दे आर यूज्ड टू प्रिजर्व पिकल्स, और ये किसमें उपयोग किया जाता है, अचार बनाने में उपयोग किया जाता है किसका, ऑयल और विनेगर का, जिससे उसे प्रिजर्व रखा जा सके। और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया आर नॉट अनेबल टू ग्रो इन फूड कंटेनिंग ऑयल एंड विनेगर। और जो भी पिकल या अचार होता है इसमें विनेगर होता है और ऑयल होते हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोकते हैं, और उसमें बैक्टीरिया
ग्रो करने लायक नहीं हो पाता। फिलिका वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश एंड मीट आर आल्सो प्रिजर्व बाई दिस मेथड। और विनेगर और ऑयल का यूज करके हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट को, फिश को एंड मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है यूज ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनके द्वारा हम छिड़काव करके या उसका उपयोग करके हम सब्सटेंस को या भोज्य पदार्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो क्या है देखते हैं, केमिकल लाइक सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटा बाईसल्फाइड, और उसके साथ साथ आर यूज टू प्रिजर्व कैचअप्स, स्क्वैसेज, जैम्स एंड जेलीज। यानी कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका हम उपयोग करके भोज्य पदार्थों को प्रिजर्व रख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो केमिकल सब्सटेंस है सोडियम बेंजोएट है और उसका सोडियम मेटा बाईसल्फेट है। इन दोनों का उपयोग करके हम कैचअप, स्क्वैसेज, जैम और जेलीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। केमिकल्स विच हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। और जिस भोज्य पदार्थ को हम प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव प्रोसेस। फिर लिखा हुआ कैनिंग यानी डिब्बाबंदी। किसी चीज़ को डिब्बा में बंद करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसे सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे लिखा फूड आइटम्स आर पैक्ड इन कैंस विथ आर सील्ड एंड हीटेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कर सकते हैं, अगर हम भोज्य पदार्थ है उसको पैक कर दें या पैक करने के बाद उसे बंद कर दें, सील कर दें, सील करने के बाद 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करें, उसे गर्म कर दें, जिससे क्या होता है उसमें उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर लिखा है वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम करके भी हम क्या कर सकते हैं, यानी हवा को निकाल करके उसमें हवा न जाने दें, वहाँ पर एकदम निर्वात उत्पन्न कर दें, तो भी क्या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है वो चेक हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अधिकतर दिए प्रिजर्वेशन का प्रोसेस ये भी है, अधिकतर भोज्य पदार्थों में इसका भी उपयोग किया जाता है। फिर लिखा है मोस्ट स्नैक्स लाइक पोटैटो चिप्स। सभी लोग देखते होंगे पोटैटो चिप्स जो लेते हैं हवा भरा रहता है, वैक्यूम किया जाता है उसको। मोस्ट स्नैक लाइक पोटैटो चिप्स एंड कुरकुरे आर पैक्ड इन एयर टाइट पैकेट्स। द एयर फ्रॉम दीज पैकेट्स इज रिमूव्ड बाई इवैक्यूएशन एंड फिल्ड द विथ ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन। सभी लोग देखते होंगे जो पोटैटो चिप्स आता है उसके साथ साथ कुरकुरे आता है, उन सभी में हवा भरा होता है, एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, उसमें क्या कहता है हवा निकाल दिया जाता है और हवा निकाल कर वैक्यूम स्थापित करके उसमें ऑक्सीजन और फ्री नाइट्रोजन भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो भोज्य पदार्थ नष्ट होने से बचा रहता है, वो ये क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग से बचा रहता है, नष्ट नहीं होता और हमारे खाने योग्य बना रहता है। ठीक है, इस प्रकार वैक्यूम के द्वारा भी क्या कर सकते हैं उसमें ऑक्सीजन एंड फ्री नाइट्रोजन भर करके भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखें द प्रोसेस फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू सुटेबल फॉर्म्स दैट प्लांट्स कैन यूटिलाइज इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी वह प्रक्रिया जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधे अपने पोषण के लिए उपयोगी बना लेते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। यानी सीधे शब्दों में समझेंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट फिर नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो लिखा हुआ है देयर आर टू वेज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दीज आर एज फॉलोज। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का दो प्रोसेस है वो नीचे दिया गया है। पहले लिखा हुआ है बाई सिम्बियोटिक बैक्टीरिया और दूसरा ड्यूरिंग लाइटेनिंग प्रोसेस। लिखा हुआ यू हैव ऑलरेडी लर्नड द राइजोबियम बैक्टीरियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड हाउ इट फिक्सेस नाइट्रोजन। आप सभी लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, चूँकि बताया जा चुका है, मैं बता चुका हूँ, ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो दलहनी पौधों के रूट्स में रहता है और रूट नेडुल बनाता है और ये क्या करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधों को देने का काम करता है। ये प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये सिम्बियोटिक बैक्टीरिया द्वारा होता है। राइजोबियम प्रकार का लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में सजीवी के रूप में रहता है। फिर उस पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग लाइटेनिंग। लाइटेनिंग प्रोसेस के द्वारा भी क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो क्या होता है देखते हैं इसमें, यू विल बी सरप्राइज्ड
टू नो द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन भी लाइटनिंग के द्वारा होता है। कैसे होता है? व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर रिएक्ट टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड विच इज वॉश डाउन विथ द रेन। दिस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट द लाइमस्टोन प्रेजेंट इन द सॉयल फॉर्म नाइट्रेट्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट। देखते हैं क्या होता है। जब बिजली कड़कती है तो उस समय इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और नाइट्रिक एसिड पानी के साथ जमीन पर आता है, वर्षा के साथ जमीन पर आता है, और उसके बाद लाइम स्टोन जो मिट्टी में होते हैं, नाइट्रिक एसिड और लाइम स्टोन दोनों रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके बनाते हैं नाइट्रेट। और ये नाइट्रेट क्या होता है, सॉयल मिल जाता है जिसे प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रकार भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, वी नो दैट एयर इज कम्पोज ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन बट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाई प्लांट्स। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉयल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच आर यूज बाई प्लांट। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन द सॉयल कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट डी नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इनटू फ्री नाइट्रोजन विच एस्केप इनटू द एयर। इन दिस वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज रिसाइकल्ड एंड इट कंपोजिशन रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट इन द एयर। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। आप सभी लोग यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल का फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन साइकिल, देख रहे हैं, इसे बताते हैं, लेकिन पहले थोड़ा इसको देखते हैं। जो हम सभी लोग जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट में एयर है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है नाइट्रोजन का है, 78%। और एक चीज़ ये भी जानते हैं, जो एयर होता है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी हवा जो होता है गैसों का एक प्रकार का मिश्रण है, उन गैसों में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, नाइट्रोजन का है, 78%। यहाँ लिखा हुआ वी नो दैट एयर इज कम्पोज ऑफ अमाउंट 78% नाइट्रोजन, यानी उसमें 78% नाइट्रोजन है। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसे पौधे डायरेक्टली रूप से उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रोजन एज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, और नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन में भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी जब बनता है, क्लोरोफिल में भी जरूरत पड़ती है, न्यूक्लिक एसिड में भी जरूरत पड़ती है, और विटामिन्स में भी जरूरत पड़ती है। इसीलिए पौधों को किसकी जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन की। लेकिन पौधे डायरेक्ट इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉयल कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स विच आर यूज्ड बाय प्लांट्स। और होता क्या है, जो सॉयल में उपस्थित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, यानी जैसे हमने अभी नाम लिया है राइजोबियम लेग्नुमिसोरम, और उसके ब्लू ग्रीन एल्गी में एनास्टाक और एनाबिना प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट का जो नाइट्रोजन होता है उसे, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में, और जो नाइट्रेट्स प्लांट आसानी से क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सॉयल में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कौन कौन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम लेग्नुमिसोरम, ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टाक और एनाबिना, ये सभी सॉयल में मौजूद होते हैं, और ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेकर के किस में बदल देते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और सॉयल में छोड़ देते हैं, और सॉयल में क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो उसे आसानी से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके अपने प्रोटीन, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, एक तो ये प्रोसेस हो गया कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदल करके बैक्टीरिया पौधों को दे रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी दे रहा है। उसके अलावा क्या है एक प्रोसेस, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट इन द सॉयल कन्वर्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट इंटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। और जब कोई प्लांट और एनिमल डेड करता है, नष्ट होता है, मरता है, तो बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो है सॉयल में उपस्थित होते हैं, और ये क्या करते हैं, उसे सिंपलेस्ट कंपाउंड में बदल देते हैं, और उसे भी प्लांट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
यानी नाइट्रेट में बदल दिया जाता है और पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एक बैक्टीरिया होती है डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल का जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रेट होता है, यानी नाइट्रोजनस सब्सटेंस कंपाउंड्स होता है, उसे क्या करते हैं, नाइट्रोजन बदल देते हैं और इन्वायरमेंट में छोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करने का काम करते हैं, और इनका नाइट्रोजन साइकिल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी होता है। कि ये क्या कर रहे हैं, वायुमंडल नाइट्रोजन को सॉइल में बदल रहे हैं, एक सॉइल से नाइट्रेट को फिर किसमें रिलीज कर दे रहे हैं, इन्वायरमेंट नाइट्रोजन में, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और वो कौन करता है, डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया सॉइल के नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन बदल रहे हैं, और उसके साथ साथ सॉइल में उपस्थित जो राइजोबियम लेग्मिनिसोरम और उसके साथ साथ ब्लू ग्रेन लगी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। इस प्रकार ये नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इन्वायरमेंट में चलता रहता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, इन दिस वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज रिसाइकिल्ड एंड इट्स कंपोजिशन रिमेन मोर और लेस कॉन्स्टेंट इन द एयर। और इसी के द्वारा क्या होता है, ये नाइट्रोजन जो होता है रिसाइकिल होता रहता है पूरे एनवायरनमेंट में, और इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब हम सभी लोग इमेज में देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लांट और एनिमल दिख रहे हैं, और उसका सॉइल दिख रहा है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दिख रहा है, और बिजली का कड़कना दिख रहा है, सब दिख रहा है। बिजली का कड़कना लाइटनिंग प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, उसके साथ साथ प्लांट और एनिमल है, और सॉइल है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दिख रहा है, डेड एंड रिमेन्स प्लांट एंड एनिमल्स दिख रहा है, नाइट्रेट्स दिख रहा है। अब देखिए इसमें लाइटनिंग प्रोसेस द्वारा और उसके साथ साथ जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, इन सभी के द्वारा नाइट्रेट्स का निर्माण हो रहा है। नाइट्रेट्स बनने के बाद पौधे क्या कर रहे हैं, इस तरह से समझते हैं, यहाँ पर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा लाइटनिंग प्रोसेस हो रहा है। लाइटनिंग प्रोसेस होने के बाद क्या बन रहा है, नाइट्रेट्स बन रहा है, नाइट्रेट्स, और उसके साथ साथ सॉइल में उपस्थित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में नास्टा कोरेनिया बिना, और उसके साथ साथ बैक्टीरिया में राइजोबियम, ये सभी क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को ले रहे हैं, और ले करके किसमें बदल दे रहे हैं, नाइट्रेट्स में। और नाइट्रेट्स में जब ये बदल जा रहा है तो पौधे क्या कर रहे हैं, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, और एब्जॉर्ब करके जहाँ इनको आवश्यकता होगा जिस चीज़ को बनाने के लिए वो बना ले रहे हैं। और उसके साथ साथ एक प्रोसेस क्या है, जब प्लांट और उसके साथ साथ एनिमल, ये दोनों जब डेड हो रहे हैं, लिखा हुआ है डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, जब प्लांट और एनिमल डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, माइक्रो आर्म डीकम्पोज कर रहे हैं, डीकम्पोज करके फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये सभी लोग नाइट्रेट्स में बदल ले रहे हैं, और फिर पौधे क्या कर रहे हैं, आसानी से एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। इस प्रकार पूरे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए